करने का प्लान कर रहे हैं भाई, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि टाटा कंपनी अल्ट्रोज में काफी सारे नए नए चेंजेस करने वाली है। क्योंकि जो टाटा की अल्ट्रोज है, इसकी सेल फिगर पर इंडिया में बहुत ही भारी फर्क आ चुका है। ऐसे में जो भाई टाटा की अल्ट्रोज है, ये फ्लॉप होती हुई अभी इंडिया में दिख रही है। अगर ऐसे ही कंपनी ने गाड़ी को छोड़ दिया तो डेफिनेटली इस गाड़ी की सेल फिगर एक दिन ऐसा आएगा कि शून्य हो जाएगी। तो ऐसे में जो है टाटा कंपनी अल्ट्रोज में लॉन्च करेगी फेसलिफ्ट वेरिएंट, जो कि यार कंपनी इस गाड़ी को A to Z रीडिजाइन रीट्यून कर देगी। चाहे वो गाड़ी का इंटीरियर हो, चाहे वो गाड़ी के फीचर्स हो, चाहे वो गाड़ी का एक्सटीरियर ही क्यों ना हो, और इसका जो इंजन है ना, वो भी कंपनी जो है अपडेट करने वाली है। क्योंकि भाई बहुत ही कंप्लेन है कि जो टाटा की अल्ट्रोज है, ये जो है थोड़ा सा ट्रक के जैसा चलती है, यानी कि जो है थोड़ा सा रफ एंड टफ चलती है। वजन ज्यादा होने की वजह से गाड़ी जो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम अच्छी देती है। तो भाई ऐसी प्रॉब्लम्स आने की वजह से टाटा की अल्ट्रोज इंडिया में फ्लॉप होती हुई दिख रही है, और यार इसमें जो है भाई आपको फिनिश की क्वालिटी भी अच्छी नहीं लगती है। तो अब जो है कंपनी इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार भाई जो टाटा की अल्ट्रोज है, इसका जो इंजन है ना, कंपनी वो आपको नया डेवलप करके देगी। इंजन जो है वो आपको 1.2 लीटर का ही मिलेगा, जो कि भाई 1199 सीसी का रहेगा। लेकिन जो टाटा की अल्ट्रोज अभी आपको मिलती है इंडिया में, इसमें आपको मिल जाता है 3 सिलेंडर इंजन, ये सभी को पता है। लेकिन भाई जो इंजन होते हैं 3 सिलेंडर वाले, ये थोड़ा सा ज्यादा ही वाइब्रेट करते हैं, और कंपनी जो है भाई परफॉर्मेंस को भी अपग्रेड करना चाहती है सेम डिस्प्लेसमेंट वाले इंजन में। तो ऐसे में जो है कंपनी गाड़ी का जो सिलेंडर है वो अब आपको 3 की जगह 4 करके दे देगी, जिससे कि गाड़ी स्मूथ भी हो जाएगी, आपका जो माइलेज है वो भी बेटर हो जाएगा, साथ ही आपको जो मेंटेनेंस है वो काफी लंबे समय के बाद करना पड़ेगा, और गाड़ी का जो थ्रोटल रिस्पांस है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। इतना ही नहीं, गाड़ी की जो पावर है ना, मैक्स पावर, वो आपको 88 HP की जगह अब आपको मिल जाएगा 100 HP के आसपास तक का, और गाड़ी का जो टॉर्क है ना, वो आपको 115 Nm की जगह लगभग आपको मिल जाएगा 130 Nm के आसपास तक का। जी हाँ भाई, माइलेज जो है वो आपको 19 के आसपास का ये गाड़ी दे देगी पेट्रोल में, सीएनजी में भाई आपको 24-25 इजीली अचीव करा देगी। और गाड़ी की जो टॉप स्पीड है ना अल्ट्रोज की, वो आपको अभी मिल जाती है 165 के आसपास तक का। लेकिन भाई जो नया वेरिएंट आएगा नए इंजन के साथ, तो उसकी स्पीड आपको 175 या 180 के आसपास तक का देखने को मिलेगी। साथ ही भाई जो अल्ट्रोज है, ये आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही वेरिएंट में मिल जाएगी। और इसमें जो भाई कंपनी और भी सारे चेंजेस करेगी भाई इंजन को लेकर, और भी कुछ वेरिएंट आएंगे, ऑटोमैटिक आ जाएगा, बहुत से भाई वेरिएंट जो है कंपनी इंजन को लेकर लॉन्च करती है, तो वैसे कुछ भी अपडेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में। भाई गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है ना, उसमें भी आपको फर्क मिलेगा भाई, मतलब गाड़ी का जो डायमेंशन है, जो वेट है, इनमें भी आपको फर्क मिलेगा भाई। गाड़ी की जो लंबाई आएगी अब, वो आपको मिल जाएगा 3995 mm के आसपास तक का। भाई चौड़ाई आपको मिल जाएगी 1760 mm के आसपास तक का। हाइट आपको मिल जाएगी 1530 mm के आसपास तक का। भाई व्हील बेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, और भाई ये गाड़ी अब नीचे थोड़ा सा कम टच होगी, क्योंकि भाई कंपनी इसे ऊंचा कर देगी नीचे से। भाई जो इसका क्लीयरेंस है वो आपको लगभग मिल जाएगा 170 mm के आसपास तक का। गाड़ी में जो है भाई आप 5 लोग को बैठा सकते हो, सीटिंग कैपेसिटी आपको 5 ही मिलने वाली है। बाकी भाई इसमें आपको जो है 5 डोर्स मिल जाएंगे, जो भाई बूट स्पेस है वो आपको 345 लीटर का मिल जाएगा। अगर भाई कंपनी ने सीट को फोल्डेबल बना दिया तो आपको और भी ज्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा। जो भाई फ्यूल टैंक है, अभी वो आपको मिलता है 37 लीटर का भाई, लेकिन कंपनी वो भी बड़ा कर देगी भाई। फ्यूल टैंक जो है वो आपको लगभग मिलेगा 40 लीटर के आसपास तक का। कंपनी जो भाई गाड़ी में हर एक चीज बड़ा करेगी, थोड़ा ही सही लेकिन बड़ा करने वाली है, जिससे कि भाई गाड़ी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, चाहे वो गाड़ी का प्राइस ही क्यों ना हो। जो भाई अल्ट्रोज है, इसमें आपको मिल जाएगा फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक, ABS, EBD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, आपको ऐसे बहुत से फीचर्स मिलने वाले हैं। भाई ABS तो कंपलसरी वैसे भी है। साथ ही भाई जो ब्रेक का साइज है ना, वो भी आपको काफी बड़ा और ब्रॉड मिलेगा, और जो कैलिपर्स के कलर है वो आपको बॉडी कलर के देखने को मिल जाएंगे, जो कि यार गाड़ी को काफी स्पोर्टी टच एंड फिनिश दे देंगे। फ्रंट और रियर में भाई आपको टायर मिल जाएगा सेम प्रोफाइल का, जो कि रहेगा
195 सेक्शन का, और भाई जो व्हील साइज है वो आपको मिल जाएगा 16 इंच का, और ये टायर्स आपको मिलने वाले हैं रेडियल, जिनकी भाई ग्रिप्स काफी बेटर होती है। लेकिन भाई गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है वो आपको मिल जाएगा 165/80/14 का, जो कि भाई रेगुलर टायर से थोड़ा सा पतला ज्यादा ही हो जाता है। बाकी भाई अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे, भाई स्टील व्हील भी आपको मिलेंगे बेस वेरिएंट में, जो कि यार भाई ये सारी चीजें तो डेफिनेटली होनी ही होनी है। और ये गाड़ी भाई आपको डायमंड कट अलॉय के साथ मिलेगी, जो कि आपको मैट ब्लैक और सिल्क का देखने को मिल जाएगा। साथ ही भाई इस गाड़ी में आपको जो भाई मिलेगा लुक, वो भी कंपनी काफी अच्छा रखेगी। भाई गाड़ी में आपको मिल जाएगा सनरूफ, जो कि आपको अभी भी मिल जाता है। साथ ही भाई गाड़ी की जो छत है वो डिफरेंट कलर की होगी, यानी कि भाई जो आएगी ना अल्ट्रोस, इसमें आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई कुछ स्पेशल एडिशन रहने वाले हैं। बाकी यार भाई गाड़ी का जो फेस है ना, जो बम्पर है, वो कंपनी रीडिजाइन कर देगी। फेयरिंग ए टू जेड कंपनी चेंज करने वाली। भाई गाड़ी में आपको मिल जाएगा बिल्कुल ही नया हेडलाइट, जो कि भाई हैरियर से इंस्पायर्ड लगेगा, लेकिन चेंज रहेगा। भाई डीआरएल्स आपको मिल जाएंगे, एलईडी का भाई आपको फुली सेटअप मिलेगा, जो कि भाई इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा ट्रिपल एलईडी का प्रोजेक्टर लाइट। साथ ही भाई डीआरएल भी आपको मिलेंगे बहुत ही बड़े से, काफी बड़े बड़े डीआरएल मिल जाएंगे। साथ ही कंपनी इस गाड़ी में आपको दे देगी फॉग लैंप, जो कि यार गाड़ी को काफी अच्छा बना देते हैं। इसका भाई जो सिस्टम होगा कूलिंग का, उसके लिए भाई कंपनी इस गाड़ी में काफी बड़ी ग्रिल प्रोवाइड करा देगी। साथ ही भाई आपको मिल जाएगा टाटा का लोगो। साइड की बात करें भाई, जो गाड़ी का डोर वगैरह है, उसका जो डिजाइन है ना, कंपनी वो भी चेंज करेगी। भाई आपको बिल्कुल ही नए डिजाइन के डोर्स मिल जाएंगे, जिनपे की काफी बड़ी बड़ी मस्कुलरिटी आपको मिल जाएगी। जो भाई गाड़ी की बैक प्रोफाइल है ना, इसमें आपको बिल्कुल ही नई टेल लाइट मिल जाएगी, बिल्कुल ही नया टेल गेट मिल जाएगा। साथ ही भाई अंडर बॉडी जो स्पॉइलर है पीछे का, वो भी चेंज हो जाएगा। भाई इस गाड़ी को कंपनी आगे से लेके पीछे तक पिलर ए बी सी सब कुछ चेंज करने वाली है। बाकी यार भाई इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको काफी बड़ा मिलेगा, जो कि टच स्क्रीन के साथ आएगा। भाई वो वॉइस कंट्रोल के साथ भी चलेगा भाई, जिसमें कि आपको एप्पल और एंड्रॉयड कारप्ले मिल जाएगा। गाड़ी में आपको आगे एसी के वेंट मिलेंगे, पीछे नहीं मिलेंगे क्योंकि छोटा केबिन है। बाकी भाई वायरलेस शावर आपको आगे और पीछे मिल जाएगा। साथ ही भाई जो बिल्ड क्वालिटी है, डेफिनेटली वो आपको काफी बेटर मिलेगी 2024 के वेरिएंट में। बाकी भाई जो गाड़ी का भाई क्वालिटी है ना, फिनिशिंग की, वो काफी ज्यादा कंपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि भाई थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी भाई स्मूथनेस और गाड़ी की फिट एंड फिनिश, ये काफी बेटर हो जाएगा। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट टाटा की काफी बेटर होती है। जो भाई टाटा की अल्ट्रोज है, ये आपको इंडिया में अभी मिल जाती है 6,60,000 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस पे। तो भाई जो नया वेरिएंट आएगा वो स्टार्ट होगा 7 लाख रुपए से, और टॉप वेरिएंट जाएगा 11 लाख रुपए के आसपास तक का, और ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी आने वाले 5 से 6 महीने के बीच में। अगर भाई आप लोग का मन है टाटा की अल्ट्रोज परचेज करने का, तो भाई वेट कर लो, डेफिनेटली काफी बेटर प्रोडक्ट आने वाला है टाटा की ओर से। तो भाई जो वीडियो है लाइक कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।